वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेश ना सरहानपुर में चूंटणी रेली ने संबोधन करता कहूं कि डबल इंजीन की सरकार जो विकास करो करी रही है चालू राखवा माटे यूपी में भाजपनी सरकार आए तो खूब जरूरी है। उत्तर प्रदेश में फोरलेन थी उद्योगों सुधीनों झड़पी विकास थो भाजप गमे तव ठराव कर ले परंतु करे छे। तेमणे कह्युं के जनताए नक्की कर्युं छे के तेओ यूपीनो विकास करनाराओने ज मत आपशे। लोकोए नक्की कर्युं छे के जे लोको गुनेगारोने जेलमां राखशे अमे तेमने ज मत आपीशुं। शेरडीना खेडूतोनी शक्ति वधारवा मांगीए छीए तो शेरडीना खेडूतोने हैरान नहीं थाय। वडाप्रधान मोदीए कह्युं के पहेलानी सरकारमां रमखाणू थता हता परंतु भाजप सरकार आव्या बाद राज्य दंगा मुक्त थई गयुं छे। राज्यने रमखाणू मुक्त राखनारने मत आपो। विपक्षी पार्टीओ पर निशान साधता तेमणे कह्युं हतुं के ज्यारे चोरीना कामो बंध थई जशे तो शुं तेओ गुस्से नहीं थाय, शुं मारे डरीने भागी जवुं जोईए। तेमणे कह्युं के आ दिवसोमां हुं जोई रह्यो छुं के एक परिवारनी पार्टी एक पछी एक खोटा वचनो आपी रही छे। तेमना नसीबमां सत्ता नथी लखी कारण के तेओ जाणे छे के यूपीनी जनताने तमने नोकरी दीधा छे। त्यारे જ્યારે આવા લોકો ખોટા વચનો આપે છે, મોટા વચનો આપે છે ત્યારે મોટા ભાગે ખાલી હોય છે। કોરોના જેવી મહામારીમાં કોઈ ગરીબને ભૂખ્યા સુવા દેવાયા નથી તો યુપીના લોકોને મફત રાશનનો લાભ મળી રહ્યો છે। ગરીબો કે બારે મેં સોચી નહીં સકતે હૈ। ઇન લોગો કો ગરીબ કા દર્દ ના દિખતા હૈ ઓર ના હી वो दुख दर्द को समझ पाते हैं। केंद्र सरकार जो घर बनाने की योजना चलाती है उसने भी हमारे गरीबों ने भी ये परिवारवादी लोगों की निर्दयता को झेला है। मैं भाइयों बहनों आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। बताऊं क्या? मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। ये आंकड़े सुनकर के आप चौंक जाएंगे। सिर्फ इतने आंकड़े सुनोगे ना तो भी आपको लगेगा हां भाजपा की सरकार हमेशा रहनी चाहिए। आप सुनिए साथियों, जब यहां पे ये गौर परिवारवादी लोग सत्ता में थे, सिर्फ परिवार के लिए ही जीने वाले लोग सत्ता में थे, तो इन्होंने, मैं सिर्फ यहां की लोकल बात करता हूं, बाहर की नहीं करता हूं ताकि आप चेक कर सकें, इन्होंने सहारनपुर के शहरी इलाकों में, हमारे इस सहारनपुर के शहरी इलाकों में 500 गरीबों के लिए घर बनाएंगे, ये उन्होंने स्वीकृति दी थी। कितने कितने कितने? सिर्फ 500। और इतनी बड़ी बातें करने वाले लोगों ने 500 घर भी बना नहीं पाए, सिर्फ 200 घर बनाए। कितने कितने? यानी 500 की बात की और बनाए कितने? अब देखिए 2017 में आपने लोगों के लिए जीने वाली, उत्तर प्रदेश का भला करने वाली, उत्तर प्रदेश का कल्याण करने के लिए जी जान से जुटी हुई, उत्तर प्रदेश को गरीब करने के लिए काम